नमस्कार दोस्तों, फास्ट न्यूज डेली चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अक्सर हम यह देखते हैं कि हिंदू धर्म में जब भी किसी पूजन का आयोजन किया जाता है तो ऐसे में पान के पत्ते का भी अपना अलग महत्व होता है। पान का पूजा पाठ व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग करना काफ़ी शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पहली बार पान के पत्ते को समुद्र मंथन के दौरान उपयोग में लाया गया था और तभी से पान का उपयोग शुभ कार्यों में किया जाने लगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार पान के पत्तों में कई देवी देवताओं का वास माना गया है और इसी संदर्भ में हम आज आपको कुछ बताने जा रहे हैं कि आखिर आप किस तरह अपनी आर्थिक दिक्कतों से निजात पा सकते हैं और घर में सुख शांति ला सकते हैं। पान के पत्ते पर केसर रखकर अगर कोई इंसान गणेश जी को अर्पित करता है तो उसे सारी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। बुधवार का दिन पान के सेवन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। माना जाता है कि इस दिन पान का सेवन करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पान के पत्तों को आप एक झालर के रूप में बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लटका सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पान के पत्तों को द्वार पर लटकाने से घर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है। पान के पत्ते को शिवलिंग पर सावन के महीने में चढ़ाने से अति फलदायी लाभ होते हैं। साथ ही पान को शिवलिंग पर चढ़ाने से इच्छाओं की पूर्ति भी होती है, ऐसी मान्यता है। नज़र दोष या किसी टोटके से ग्रसित इंसान को लगा पान के पत्ते के साथ साथ गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर खिला देने से नज़र दोष आदि खत्म हो जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पान के पत्ते में विभिन्न देवी देवताओं का वास होता है। जी हाँ, इस एक पत्ते में ब्रह्मांड के देवी देवता वास करते हैं। यह भी एक कारण है कि क्यों हिंदुओं द्वारा पूजा में पान के पत्ते को इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि इस पत्ते के विभिन्न कोनों अथवा स्थानों पर देवी देवता मौजूद हैं। पान के पत्ते के ऊपरी हिस्से में शुक्र और इंद्र विराजमान रहते हैं। पान के बीच के हिस्से में माँ सरस्वती का वास होता है। पान के निचले सिरे पर माँ लक्ष्मी विराजती हैं। जहाँ पान का पत्ता डंडी से जुड़ा होता है वह स्थान ज्येष्ठा लक्ष्मी का होता है। पान के पत्ते में भगवान विष्णु स्वयं समाहित हैं। पान की बाहरी किनारी पर भगवान शिव और कामदेव निवास करते हैं। पान के पत्ते के पीछे की ओर माँ पार्वती और मंगला देवी का स्थान माना जाता है। पान के पत्ते का दायां हिस्सा भूमि देवी का निवास माना जाता है। संपूर्ण पान को भगवान सूर्य नारायण का प्रतीक माना जाता है। केवल एक ही पत्ते में संसार के संपूर्ण देवी देवताओं का वास होने के कारण इसे पूजा सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है, किंतु पूजा सामग्री के लिए पान के पत्ते का चयन करने के लिए व्यक्ति को बेहद सावधान रहना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार छिद्रों से भरपूर सूखा हुआ एवं मध्य हिस्से से फटा हुआ पान का पत्ता सामग्री के कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पान का पत्ता हमेशा सही सलामत रूप में चमकदार एवं कहीं से भी सूखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे व्यक्ति की पूजा साकार नहीं होती है। दोस्तों, पान के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।